हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस द पोएम पोएम नंबर 3 कीपिंग क्वाइट फ्रॉम द फ्लेमिंगो बुक ऑफ क्लास 12। एंड दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय द पोएट पाब्लो नेरुडा। एंड बिफोर स्टार्टिंग द पोएम यू जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द पोएट। द पोएट पाब्लो नेरुडा। पाब्लो नेरुडा इज द पेन नेम ऑफ नेफ्ताली रिकार्डो रेस बोजाल्टो हु वॉज बोर्न इन द टाउन ऑफ पैरल इन चाइल। सो वट इज़ चाइल? चाइल इज़ अ कंट्री इन साउथ अमेरिका। और पाब्लो नेरुडा का पेन नेम है नेफ्ताली रिकार्डो रेस बोजाल्टो। सो वट इज़ पेन नेम? पेन नेम क्या होता है? पेन नेम मीन्स दैट अ नेम दैट अ राइटर यूजेज इंस्टेड ऑफ रियल नेम वैन पब्लिशिंग ए बुक। जब भी किसी राइटर की कोई बुक पब्लिश होने वाली होती है तो उस टाइम पे जो वो अपने रियल नेम की बजाय कोई और नेम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड पेन नेम। सो नेरुडास पोएम्स आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेजेस। उनकी पोएम में जो भी इमेजरी यूज़ की गई होती है वो बहुत ही अंडरस्टूड होती है, विच मेक दैम नो लेस ब्यूटिफुल, जिससे कि उनकी पोएम बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल लगती हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द पोएट इज़ ही वोन द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1971 में उन्हें लिटरेचर के लिए नोबल प्राइज़ भी उन्हें रिसीव हुआ है। इन दिस पोएम नेरुडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। सो इन दिस पोएम बेसिकली पोएट 3 थिंग्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। ही वांट्स टू कन्वे 3 थिंग्स इन दिस पोएम। द फर्स्ट वन इज़ पीस। वो बात कर रहा है पीस के बारे में कि ह्यूमैनिटी में, अमंग द ह्यूमैनिटी देयर शुड बी पीस, शांति होनी चाहिए, पीस होना चाहिए। द सेकेंड थिंग इज़ इंट्रोस्पेक्शन के बारे में पोएट ने इस पोएम में बात की है। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स टू एनालाइज अवर ओन एक्टिविटीज़। जब हम अपनी खुद के एक्शंस को, एक्टिविटीज़ को एनालाइज करते हैं कि वेदर वी आर डूइंग गुड और नॉट, सो दिस इज़ कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन। एंड द थर्ड वन इज़ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हमें एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे को हमें समझना चाहिए, ह्यूमैनिटी की फीलिंग रखनी चाहिए। सो ये 3 थिंग्स है जो पोएट ने यहाँ पर डिस्कस की है। कौन कौन सी? पीस, इंट्रोस्पेक्शन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम, तो आपको इन 3 थिंग्स को लेके, इन 3 पैटर्न्स को लेके आपको काम करना है इस क्वेश्चन पे। पीस, इंट्रोस्पेक्शन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सो नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोएम। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। सो पोएट ने यहाँ पे कहा है कि हम 12 तक काउंट करेंगे और हम बिल्कुल स्टिल रहेंगे, मींस बिल्कुल इनएक्टिव रहेंगे, कोई भी काम हम नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, कोई भी एक्शन नहीं करेंगे, वी विल कीप स्टिल। अब यहाँ पे कौन सी 12 की काउंटिंग है, दिस इज़ नॉट क्लियर इन द पोएम। ये काउंटिंग हो सकती है जो हम काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3, 12 से लेके 12 तक की, या फिर ये आर्स वाली भी काउंटिंग हो सकती है, जो हम घड़ी में टाइम देखते हैं ये वो वाली भी काउंटिंग हो सकती है। पोएट ने सिर्फ ये कहा है कि हमें 12 तक काउंट करना है और सिर्फ तब तक हमें बिल्कुल चुप रहना है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। ऑन द फेस ऑफ द अर्थ का मीनिंग क्या है? मीन्स इट हैज़ नेवर हैपन्ड बिफोर। ऐसा अर्थ पे कभी भी नहीं हुआ है कि कोई भी कभी किसी लैंग्वेज में बात नहीं करेगा। तब तक बात नहीं करेगा जब तक कि 12 तक काउंटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक कोई किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेगा। सो हेयर लैंग्वेज मीन्स नेशंस विल नॉट स्पीक देयर लैंग्वेज। मीन्स कोई भी नेशन, कोई भी देश अपनी लैंग्वेज में बात नहीं करेगा, उन सबकी सिर्फ एक ही लैंग्वेज होगी, दैट विल बी द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस। मीन्स सब बिल्कुल तब तक चुप रहेंगे, कब तक? जब तक कि 12 तक काउंटिंग नहीं हो जाती। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। सो पोइट कह रहा है कि प्लीज एक सेकेंड के लिए तो सब चुप रहो, कोई भी बात मत करो, कोई भी कुछ काम मत करो, बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाना चाहिए सब कुछ। एंड नोट मूव अवर आर्म्स सो मच। हमें अपनी आर्म्स को हिलाना नहीं है, मीन्स हमें इनएक्टिव रहना है, हमें एक्टिव नहीं रहना है। वी डोंट हैव टू डू एनी वर्क। कब तक? जब तक हमें 1 to 12 तक काउंटिंग करनी है। नेक्स्ट स्टेंजा, इट वुड बी एन एग्जोटिक मूवमेंट। सो पोएट ने यहाँ पे क्या कहा है कि जो मूवमेंट होगा जब सब कुछ स्टैंड स्टिल हो जाएगा, जब सब कुछ इनएक्टिव हो जाएगा, सो इट विल बी एन एग्जोटिक। एग्जोटिक मीन्स एक ऐसी थिंग जो बिल्कुल हमारे लिए न्यू होगी, बिल्कुल अनफेमिलियर होगी, जिससे हम कभी भी फेमिलियर नहीं हुए हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल न्यू है। सो ये हमारे लिए एक बिल्कुल नया मूवमेंट होगा, विदाउट रश, कोई भी रश नहीं होगा।
मीन्स कोई भी भागदौड़ नहीं होगी, विदाउट इंजन्स, कोई भी इंजन्स नहीं होंगे. इंजन्स मीन्स यहाँ पे इंजन मीनिंग कि कोई भी काम नहीं हो रहा होगा, कहीं किसी भी फैक्ट्री में लगा लीजिए या फिर कहीं पर भी, विदाउट विदाउट एनी मूवमेंट, विदाउट एनी एक्टिविटी, सब कुछ इनएक्टिव होगा विदाउट इंजन्स. वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ होंगे इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और यहाँ पर एक तरह की एक स्ट्रेंजनेस होगी. स्ट्रेंजनेस मीन्स, यहाँ पे स्ट्रेंजनेस मीन्स न्यू पीस, एक नई शांति आ जाएगी जब सब कुछ स्टिल हो जाएगा, जब सब कुछ इनएक्टिव हो जाएगा, कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, तो एक बिल्कुल अजीब सी स्ट्रेंजनेस होगी, मीन्स एक नई शांति हमें देखने को मिलेगी. अब यहाँ पे पोइट ने कुछ इमेजरी यूज़ की है इस स्टेंजा में. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स. जब कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही होगी तब क्या होगा, जो फिशरमैन है मीन्स जो मछुआरे हैं, जो मछलियां पकड़ते हैं समुद्र में, वुड नॉट हार्म व्हेल्स, वो भी व्हेल्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो भी अपना काम छोड़ चुके होंगे थोड़े समय के लिए, जब तक 1 to 12 तक हमें काउंटिंग करनी है. वो भी जब कोई काम नहीं कर रहे होंगे, वो भी फिशिंग नहीं कर रहे होंगे, तो व्हेल्स को भी कोई हार्म नहीं पहुँचेगा. एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. और एक ऐसा इंसान जो समुद्र के किनारे पर साल्ट गैदर करता है, जो साल्ट एक नमक इकट्ठा करता है, और वो भी अपने हैंड्स की तरफ देखेगा कि मेरे हैंड्स कितने हर्ट हो चुके हैं, मेरे हाथों पर कितने ज़्यादा घाव हो चुके हैं नमक को इकट्ठा करते करते. मीन्स पोइट ने जो क्या कन्वे किया है कि हमें इंट्रोस्पेक्शन करनी है. हमें, हम कई बार क्या करते हैं, हम अपने काम के पीछे इतने भागते रहते हैं कि खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं. सो पोइट ने स्टेंजा में यही कहा है कि हमें इंट्रोस्पेक्शन करनी है, अपने बारे में भी सोचना है, दूसरों के बारे में भी सोचना है. और इस ये कैसे होगा, जब सब कुछ स्टैंड स्टिल होगा कुछ समय के लिए, जब कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी. सो इससे क्या होगा, जो कोल्ड सी में यानी कि वहाँ पर जो व्हेल्स हैं उनको भी कोई हार्म नहीं होगा, तो एक जियोलॉजिकल एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा. और जो कोई भी व्यक्ति जो वहाँ पर नमक इकट्ठा कर रहा होता है, जब वो अपने हैंड्स की तरफ देखेगा तो उसका भी ध्यान जाएगा कि मैंने इतना काम करते करते कभी अपने हैंड्स की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तो वो भी अपने लिए टाइम निकाल पाएगा. And the next stanza, those who prepare green wars. So here green war means nature. Means तो poet क्या कहना चाह रहा है, those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors. Yes. So poet यहाँ पर कह रहा है कि we are harming environment. हम environment को बहुत ज़्यादा harm कर रहे हैं, एक तरह की war है. हम एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा हार्म कर रहे हैं, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट काट रहे हैं, हम पेड़ों को काट रहे हैं, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, हम एनिमल्स को हार्म कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं. वार्स विद गैस का मीनिंग क्या है, जब कंट्रीज के साथ हमारा कोई वॉर हो जाता है तो बहुत तरह की गैसेस छोड़ी जाती हैं, या फिर फायर से, ठीक है, इस तरह के जो वेपन्स यूज़ किए जाते हैं. तो हियर गैस एंड फायर मीन्स जो भी बायोलॉजिकल या फिर और भी तरह के जो वेपन्स यूज़ किए जाते हैं, सो यहाँ पे पोइट ने उसके बारे में बात की है. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, और जब वार होती है तो क्या होता है, विक्ट्री तो हो जाती है किसी ना किसी एक टीम की, मीन्स किसी एक कंट्री की, लेकिन वहाँ पर सर्वाइवर कोई नहीं बचता उस विक्ट्री को, उस विक्ट्री की जो उसकी जो जीत होती है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए देर आर नो सर्वाइवर्स, कोई लोग जिंदा ही नहीं बचते हैं. सो ऐसी वार का या फिर ऐसी विक्ट्री का क्या फ़ायदा. वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स. सो पोइट ने क्या कहा है कि अगर हम 1 to 12 तक काउंट करेंगे और तब तक कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो हमें एक और नया मौका मिलेगा टू पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स. क्लीन क्लॉथ्स के यहाँ पर दो मीनिंग है. तो क्लीन क्लॉथ्स का मतलब क्या है, एक तो न्यू बिगनिंग, हमें एक नई शुरुआत करने के लिए मिलेगी, हमारे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी लोगों के आपस में, बीच में या फिर कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है, अमंग द कंट्रीज़ या अमंग पीपल, उनके अंदर क्या होगा, एक नई अंडरस्टैंडिंग होगी, एक नई बिगनिंग होगी, एक नई शुरुआत होगी. एंड सेकंड मीनिंग क्या हो सकता है यहाँ पे क्लीन क्लॉथ्स का, कि क्लीन्स अवर सोल, हमें अपनी सोल को क्लीन करने का मौका मिल जाएगा, हम एक नई शुरुआत कर पाएंगे, इंट्रोस्पेक्शन कर पाएंगे ड्यूरिंग दैट टाइम. कौन से टाइम, जब तक हम 1 to 12 तक काउंट करेंगे, हम सारे अपने काम स्टैंड स्टिल कर लेंगे, सारे काम हम छोड़ चुके होंगे.
एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। तब हम अपने ब्रदर्स के साथ मीन्स और लोगों के साथ ह्यूमैनिटी के साथ मिलकर चल रहे होंगे, हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, हम खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे। सो बेसिकली व्हाट द पोएट वांट्स टू से, द पोएट वांट्स टू से दैट देयर विल बी अ न्यू अप्रोच टू लाइफ, मीन्स वी हैव टू अडोप्ट अ न्यू अप्रोच टू लाइफ ड्यूरिंग दैट टाइम। उस टाइम पे हमें अपनी लाइफ के लिए एक नई अप्रोच, एक नई बिगनिंग हमें करनी है अपनी लाइफ को लेकर। हमें खुद के बारे में भी सोचना है एंड वी हैव टू थिंक अबाउट अदर्स आल्सो। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, दिस स्टैंजा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब पोइट यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ, शुड नॉट बी कंफ्यूज, उस चीज़ को लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये नहीं समझना है विद दैट टोटल इनएक्टिविटी कि मैं बिल्कुल ही इनएक्टिव होने की बात कर रहा हूँ। तो मेरा मीनिंग यहाँ पे किस चीज़ से है, बिल्कुल इनएक्टिविटी से नहीं है। सो पोइट वांट्स टू से दैट वी शुड रिफ्लेक्ट बैक आवर एक्शंस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। सो पोइट यहाँ पे कहना चाहता है कि हमें सिर्फ उतना टाइम निकालना है 1 to 12 काउंटिंग करते हुए, ताकि हम इंट्रोस्पेक्ट कर पाएँ, हम रिफ्लेक्ट बैक कर पाएँ अपने एक्शंस को कि क्या जो भी हम एक्शंस कर रहे हैं उसके इन फ्यूचर क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम अब ट्रीज़ कट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इन फ्यूचर उसका क्या रिजल्ट होगा आने वाली जनरेशन पे। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, कोई भी एक्टिविटी को लेके हम इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। सो पोइट ने क्या कहा है कि मेरा मीनिंग यहाँ पे बिल्कुल टोटल इन एक्टिविटी से नहीं है। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद डेथ। सो लाइफ तो क्या है, लाइफ तो इसी के बारे में है कि लाइफ ऑलवेज गोज ऑन, लाइफ तो हमेशा चलती रहती है। सो पोइट ने कहा है कि नो ट्रक विद डेथ, मीन्स डेथ लाइक साइलेंस नहीं चाहिए मुझे, पोइट ने ये नहीं कहा है, और ना ही किसी को थ्रेट होना है। नो ट्रक विद डेथ मीन्स किसी को भी थ्रेट नहीं लेना है डेथ से, डेथ से नहीं डरना है। हम कई बार अपना काम करते करते सोचना शुरू कर देते हैं सर्वाइवल के बारे में या फिर डेथ के बारे में, इन्हीं दो चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लेकिन पोइट ने क्या कहा है, वी डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ डेथ। If we were not single-minded about keeping our lives moving and four ones could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness. Yes. So poet ने क्या कहा है कि अगर हम इतने single-minded नहीं होंगे, means सिर्फ हम अपने ही बारे में नहीं सोचेंगे and keeping our lives moving, और इसी तरह से हमेशा काम करते रहेंगे, अपनी life को move on करते रहेंगे, so तो क्या होगा, फॉर वंस कुड डू नथिंग, तो ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। सो पोइट ने क्या कहा है, दैट परहेप्स ए ह्यूज साइलेंस, तो पोइट कहना चाह रहा है कि एक ह्यूज साइलेंस, एक बड़ी सी साइलेंस चाहिए 1 to 12 तक की काउंटिंग के दौरान, जो स्टैंड स्टिल होगा, जो इनएक्टिविटी होगी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, वो ही इस सैडनेस को ख़त्म कर सकती है। सो कौन सी सैडनेस को, हम कई बार काम करते करते बहुत सैड हो जाते हैं, ठीक है, हम सोचते रहते हैं कि लाइफ जो है हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और एक दिन डेथ हो जाएगी, तो ये जो सैडनेस होती है, तो पोइट ने क्या कहा है, इसको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है, इस सैडनेस को, इट कैन बी ओवरकम्ड बाय दिस साइलेंस। अगर हम कुछ टाइम के लिए अपनी काम को छोड़ देंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे अपने एक्शंस की, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, और उससे क्या होगा, पीस होगा, और इससे क्या होगा, सारी सैडनेस ख़त्म हो जाएगी। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर लाइफ विद डेथ। सो पोइट ने यही कहा है कि अपोज दे कैन अप्रिशिएट देयर अचीवमेंट्स, एक ऐसा पोज हमें लेना है अपनी लाइफ में, ताकि हमें मौका मिले हम अपने एक्शंस को, हम अपनी अचीवमेंट्स को भी अप्रिशिएट कर पाएँ, जो भी हमने अब तक अपनी लाइफ में अचीव किया है, हमें उसे अप्रिशिएट करने का मौका मिले। सो हमें, वी डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ डेथ, और इस सैडनेस को हमें दूर करना है, और ये सैडनेस कैसे दूर की जा सकती है, बाय कीपिंग क्वाइट। सो इन दिस स्टैंजा द पोएट वांट्स टू सजेस्ट दैट बाय कीपिंग क्वाइट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ। नाउ रीड द सेकेंड स्टैंजा। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। ये जो पोएम है, एक बहुत ही, इसके अंदर बहुत अच्छी इमेजरी यूज़ की है पोइट ने, तो एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग निकल कर आ रही है इस पोएम में से। अब पोइट ने कहा है कि सिर्फ एक अर्थ है जो हमें टीच कर सकती है, जो हमें सिखा सकती है कि व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड,
कि कई बार ऐसा होता है कि हमें सब कुछ लगता है कि सब कुछ डेड है, सब कुछ ख़त्म है, बट लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव. लेकिन वही चीज़ बाद में रिन्यू हो जाती है, वही चीज़ बाद में हमें अलाइव लगती है. अब ये एग्जांपल पोइट ने दिया है हमें अर्थ से, कि अर्थ हमें ये सीख दे सकती है, अर्थ हमें एक बहुत अच्छा लेसन दे सकती है इसके बारे में कि जो चीज़ हमें डेड लग रही है वो बाद में अलाइव हो जाती है. वो कैसे, हाउ इज़ इट पॉसिबल? बिकॉज आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग विंटर एवरीथिंग फ्रीजेस एंड बिकम्स लाइफलेस, बट आफ्टर सम टाइम सीजन चेंजेस एंड एवरीथिंग कम्स बैक टू लाइफ. विंटर में क्या होता है कि सब कुछ फ्रीज हो जाता है, सब जगह बर्फ़ जम जाती है, ड्यू ड्रॉप्स आप देखते हो पेड़ों पर भी दिखाई देती है, फ्लावर्स पर भी दिखाई देती है, हर जगह सब कुछ लाइफलेस लग जाता है, लगता है, सब कुछ इनएक्टिव लगता है. लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे ही सुबह बहुत तेज अच्छी धूप निकलती है तो या फिर सीजन चेंज होता है, एवरीथिंग कम बैक टू लाइफ. वो जो बर्फ़ होती है वो सब पिघल जाती है, ठीक है, और सब कुछ वापस लाइफ में स्टार्ट हो जाता है, मीन सब कुछ एक्टिव हो जाता है. सो अर्थ एक बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छी टीचिंग हमें दे सकती है. नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप सॉरी एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो. सो पोइट ने कहा है कि मैं तो 12 तक काउंटिंग करूँगा एंड यू कीप क्वाइट, और आप क्वाइट रहना एंड आई विल गो, और इस तरह से मैं चलता जाऊंगा. मींस पोइट ने अपने व्यूज़ दिए हैं कि मैं तो ये काम करता रहूंगा अपनी लाइफ में, 1 to 12 तक मैं काउंटिंग करता रहूंगा, इंट्रोस्पेक्शन करता रहूंगा, जिससे मेरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दूसरों के साथ बढ़ेगी और देयर विल बी पीस इन माय लाइफ. सो पोइट ने हमें भी ये एडवाइस दी है.